हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड के थ्रू हम कैसे किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखिए हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन देते हैं हाफ लाइफ का, और ये आपका जो होता है ये होता है कि टी हाफ किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a^(n-1)। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो कंसंट्रेशन है आपका रिएक्टेंट का, या इनिशियल कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं, और जो एन है ये हमारा क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्शन हैं और उस दोनों के लिए हमको क्या करना है, टी हाफ का एक्सप्रेशन देना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी हाफ, अगर फर्स्ट रिएक्शंस की बात करें हम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a^(n-1), और उसी तरीके से इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं टी हाफ फॉर सेकेंड रिएक्शन, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a^(n-1), और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो टी हाफ फर्स्ट रिएक्शन का डिवाइडेड बाय टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया 1/a^(1), ठीक है, और n-1 1/a^(2)(n-1), इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है a^2/a^1)(n-1), यानी हमारे पास अब टी हाफ का रेशियो जो है, जिसको आप बोल रहे हैं t1 और इसको बोल रहे हैं t1 फॉर सेकेंड रिएक्शन, ये हमारे पास वैल्यू आ गया a^2/a^1, और यहाँ पे आ गया (n-1). अब देखिए बोथ साइड अगर हम log 10 बेस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, log टी हाफ 1/t^2 इक्वल्स टू log a^2/a^1 और ये (n-1)। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा log t^1/2 यानी हाफ फर्स्ट का माइनस log t^2 सेकेंड रिएक्शन का, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा log a^2/n-1 माइनस log a^1/n-1, और इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log टी हाफ फर्स्ट का माइनस log टी हाफ सेकेंड का, यहाँ से n-1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो जब n-1 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा log a^2/log a^1। तो अगर हमको n-1 कैलकुलेट करना होगा तो इस पूरे वैल्यू को इधर लाके डिवाइड कर देना होगा, तो ये हो जाएगा log टी हाफ फर्स्ट रिएक्शन का माइनस log टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का, और डिवाइडेड बाय
हमारे पास आ गया log a2 माइनस log a1। फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा n प्लस log t हाफ फर्स्ट रिएक्शन का माइनस log t हाफ सेकेंड रिएक्शन का और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया log a2 माइनस log a1। तो इस तरीके से ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया इसके हेल्प से हम लोग अगर हमें डेटा मिले t1 t2 यानी फर्स्ट रिएक्शन का t1 सेकेंड रिएक्शन का t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के रिएक्टेंट का अगर मिले तो इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो n है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। तो चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वर फाउंड एज फॉलो। ठीक है, एक ही टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराया गया है जिसमें अमोनिया को डिकम्पोज किया गया, प्रेशर पास्कल में लिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में 6667 है, सेकेंड कंडीशन में 13333 और नेक्स्ट कंडीशन में 26666 ऐसा पास्कल है और हाफ लाइफ टाइम दिया है फर्स्ट कंडीशन में 3.52 सेकेंड 1.92 और थर्ड ये क्या है 1। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर को एज ए कंसंट्रेशन टर्म्स क्या करते हैं मेजर करेंगे यूज करेंगे। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला टी हाफ फर्स्ट रिएक्शन का डिवाइडेड बाय टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का, इसमें हम किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड का भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का भी, सब में वैल्यू सेम ही आएगा। और ये हमने अभी पढ़ा था ये वैल्यू होता है ए टू बाई ए वन का पावर एन माइनस वन। अब क्या करना है वैल्यू को पुट करना है, अगर मैं टी हाफ की वैल्यू रखूं तो 3.52 होगा डिवाइडेड बाई 1.92 होगा और इधर हम रखे तो इतना वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई 6667। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा ये पावर आएगा n माइनस वन, तो ये लगभग 2 के करीब आएगा और n माइनस वन हो गया और ये हो गया हमारा 3.52 डिवाइडेड बाई 1.92। दोनों साइड हम लॉग से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है लॉग 3.52 डिवाइडेड बाय 1.92 इक्वल्स टू लॉग ये हो गया 2 का पावर हो गया एन माइनस वन। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे लॉग निकाल लोगे आप लोग तो लॉग निकालने के बाद ये वैल्यू आ जाता है कितना 0.2632 और ये log 2 का वैल्यू इसको लाइएगा तो ये हो जाएगा n माइनस वन और ये हो गया log 2 और log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.301। इस तरीके से आप यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका वैल्यू आएगा 1.87 और हम इसको 2 के करीब लेते हैं। अगर आप 1 और 3 का लीजिएगा, ठीक है, अगर आप t हाफ फर्स्ट का और टी हाफ थर्ड का अगर रेशियो लेते हैं तो वहाँ पे जो एन की वैल्यू आता है 1.9 के करीब में आता है तो वो भी लगभग हमारा 2 के करीब में आता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ मेथड के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं।